इस बार प्रयागराज में कुंभ पर्व प्रारंभ होने जा रहा है 14-15 जनवरी से। देश की अनेकता को एकता में देखने के लिए और पूरे विश्व के हिंदू साम्राज्य को, हिंदू संस्कृति की एकता को और अखंडता को देखने के लिए प्रयाग के कुंभ में निमंत्रण है। आइए देखिए किस प्रकार से अखाड़े हिंदू सनातन संस्कृति के लोग एक भाव में, समभाव में रह करके उस पर्व का आनंद लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, पर्यावरण के कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, पर्व होते हैं, एवं एक नदी के संगम पर, जो तीनों नदियों का संगम है उसके तट पर आकर के पूरा माघ मास लोग कल्पवास करते हैं, दिन में 3-5 बार स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और पुण्य के भागी होते हैं। कहते हैं कि कुंभ का एक स्नान करने मात्र से हजारों अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिलता है, हजारों वाजपेय यज्ञों का पुण्य मिलता है। ये संयोग 12 वर्ष बाद बनता है, मगर प्रयागराज में 6 साल अर्धकुंभ के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे वर्तमान सरकार कुंभ के रूप में मना रही है, 12 साल वाले को पूर्ण कुंभ के रूप में मनाने जा रही है। ये कुंभ मेला प्रयागराज में 14 से प्रारंभ होकर के जनवरी से पूरा 4 मार्च तक रहने वाला है, जिसमें 13-14 अखाड़े भारत के दंडी स्वामी, चारों शंकराचार्य, उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, वैष्णव अखाड़े एवं दशनामी अखाड़े अपनी पेशवाइयों के साथ इस कुंभ को अग्रसर करते हैं। और आप भी इस कुंभ में रह करके जरूर इस इतिहास के पलों का एक अंग बनिए। भारत की शक्ति क्या है, भारत की ऊर्जा क्या है, भारत का अध्यात्म क्या है, भारत के अध्यात्म के अंदर किन किन महापुरुषों की श्रृंखला है, इन सब का एक स्थान पर एकत्रीकरण होना अपने आप में एक विशेषता है। पूरे विश्व पटल के अंदर इतनी भव्य व्यवस्था और इतना बड़ा मेला कहीं पर भी नहीं लगता है, इसलिए यूनेस्को ने भी उसको मान्यता दी है। लगभग 165 देशों के लोग इस कुंभ में आने वाले हैं, आपका भी स्वागत है। हर हिंदू को अपने जीवन में एक बार कम से कम कुंभ स्नान जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही हर्ष और उन्नति का पर्व है। आप सब निमंत्रित हैं प्रयाग कुंभ में। धन्यवाद।